एवरीवन, ये वीडियो जो है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित है। आप लोगों में से बहुतों ने मुझे ये सिलेबस दिया है कि मैम सिलेबस को डिस्कस कीजिए, तो इस सिलेबस को मैं डिस्कस करती हूँ। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, यूजीसी नेट क्वालिफाइड एंड पीएचडी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, एंड माई स्पेशल पेपर इज इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। And student, this is my mobile number 84390-66995. You can message me on this number. And this is my app Shipranomics. Please download this app. इस पर बहुत सारे courses मैंने डाले हुए हैं student, जिस पर अभी आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी मैंने course डाल दिया है। ये course आपको मेरे app पर उपलब्ध है। देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र का जो chapter है, इसमें आपको माइक्रो पढ़ना है। ठीक है, माइक्रो में बेसिकली अगर आप एक बुक को फॉलो करें तो एच एल आहूजा आप फॉलो कर सकते हैं। एच एल आहूजा बहुत ही अच्छी बुक है, काफी डिटेल में लिखी हुई बुक है और इसका हिंदी में पीडीएफ भी उपलब्ध मिल जाता है। इसमें आपको अर्थशास्त्र की जो बेसिक्स है, जैसे परिभाषा क्या है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या है, तो बेसिक के साथ साथ उपभोग एवं उपयोगिता, मांग एवं पूर्ति, उत्पादन, बाजार एवं मूल्य निर्धारण। बाजार में भी देखिए, बाजार का अर्थ, तत्व और वर्गीकरण दिया हुआ है, और पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि मार्केट में आपको केवल परफेक्ट कंपटीशन दिया है, लेकिन फिर भी पूरा मार्केट पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए बाजार का अर्थ, तत्व और वर्गीकरण दिया हुआ है। वर्गीकरण का मतलब है कितने तरह के मार्केट होते हैं। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि केवल पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण पूछा जा रहा है। जितने भी मार्केट है उन सभी को पढ़ लेना ठीक रहता है। ज्यादा पढ़ने में कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर आप कम पढ़ोगे तो उससे हानि जरूर है। ठीक है, वितरण का सिद्धांत, यहाँ तक आपका माइक्रो का सिलेबस खत्म हो जाता है। माइक्रो के बाद आ जाइए यहाँ पर मनी एवं बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग या मौद्रिक अर्थशास्त्र में आपको नगद शेष सिद्धांत, कीन्स का दृष्टिकोण, मुद्रास्फीति और मंदी, मतलब कि आपको यहाँ से शुरू कीजिए। मुद्रा क्या है, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति और इसके सिद्धांत। इसके बाद मैक्रो का छोटा सा पोर्शन इसमें दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं दिया है, तो जितना दिया है मैक्रो उतना स्टिक कीजिए, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय का किस तरीके से लेखांकन होता है, इसकी हम माप कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, किन 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 मदों को इसमें शामिल करते हैं, किन को शामिल नहीं करते हैं, तो मैक्रो का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, तो जितना दिया है आप उतना पढ़ लीजिए, काफी है। इसके बाद आ जाता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को काफी ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। पब्लिक फाइनेंस में सारी चीजें पढ़नी है, बेसिकली चार भाग में बांट के पढ़ते हैं, है ना, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, और इसको चार भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो संघीय संघवाद आप पढ़ते हो, है ना, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, तो इन चार भागों में बांट करके ये पूरी चीजें इसमें आ जा रही है, है ना। सार्वजनिक एवं निजी वित्त क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है, तो पब्लिक फाइनेंस को आपको काफी डिटेल में पढ़ना है। बैंकिंग में देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पढ़ना है आपको। आरबीआई के साथ साथ कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से साख निर्माण करता है, ठीक है, बैंकों के प्रकार क्या है, बैंक की सुधार समिति जरूर पढ़ लीजिएगा, बैंकिंग सुधार समिति, क्योंकि अलग से मेंशन किया हुआ है। ज्यादातर सिलेबस में इसको अलग से मेंशन नहीं करते, बट इसमें अलग से मेंशन किया है बैंक सुधार समिति, तो इसको पढ़ना है। एंड सस्ती मुद्रा नीति, इन सभी को मैंने आप लोगों के लिए जो कोर्स रखा है उसमें सब कुछ डाला है। व्यापार की अवधारणा, प्रकृति, विशाल विकासशील देशों में व्यापार और डेवलपमेंट का भी बहुत ही छोटा सा पोर्शन दिया है। डेवलपमेंट में आर्थिक विकास के सूचक क्या है, विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है, भारत में कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं, इनको मिला करके दिया है। थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण से रिलेटेड भी आप लोगों का सिलेबस है, तो पर्यावरण में जो सिद्धांत है वो सिद्धांत नहीं पढ़ना, एक जनरल टॉपिक दिया है
कि पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, उसका मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं। हाँ, पर्यावरण में जो क्षति होती है उसके मूल्यांकन का सिद्धांत है। इंडियन इकोनॉमी का काफी बड़ा सिलेबस है और इंडियन इकोनॉमी को मैंने आप लोगों के लिए जो कोर्स डाला है उसमें काफी डिटेल में दे दिया है, जरूरत से ज्यादा मैंने दे दिया है जितना आप लोगों को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखो, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, कृषि, औद्योगिक नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं। तो कृषि में भी मैंने बहुत डिटेल में दिया है, क्योंकि कृषि में देखो आपको सब चीजें पढ़नी है और उसको काफी ज्यादा करंट अफेयर से जोड़ करके पढ़ना। कृषि की प्रकृति महत्व तो क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो मैंने देखो इसमें प्राइस पॉलिसी भी दिया है, सब्सिडी भी दे दिया है, हरित क्रांति भी दी है। तो जो भी चीजें हैं, अभी जैसे फार्म बिल आया था, फार्म बिल को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि फार्म बिल से शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारे यहाँ जब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई तो उस समय इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी, अभी क्या कंडीशन है, और इंडस्ट्रीज में विनिवेश की क्या भूमिका है, प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, बिजली, यातायात और संचार, और स्वतंत्रता उपरांत भारतीय योजनाएं किस तरीके की रही, बेसिकली आपको पढ़ना है। मतलब आपको माइक्रो का डिटेल सिलेबस पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, सेकेंड आपका इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस को भी डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन तीनों पर कमांड कर लीजिए। इसके बाद मैक्रो का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, डेवलपमेंट का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बहुत ही कम है, उसके बाद पर्यावरण का भी बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। तो इन तीनों को बहुत ही इनको जब कंप्लीट कर लीजिए, माइक्रो, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस और बैंकिंग, इन चार चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए सबसे पहले, तो उसके बाद इन तीनों को पूरा कीजिए। और स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, तो देखो अरिहंत का क्वेश्चन बैंक आता है, जब आप अरिहंत का क्वेश्चन बैंक है, फिर यूथ पब्लिकेशन का भी आता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक आप तब बनाइए जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, एक बार पूरे वीडियो को आपने देख लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं, सीधे क्वेश्चन बैंक पर नहीं जाइएगा। और कभी भी क्वेश्चन बैंक के आंसर पर रिलाई मत कीजिएगा, और स्टूडेंट कभी भी किसी भी गाइड का कॉन्सेप्ट मत पढ़िएगा, क्योंकि गाइड के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके राइटर्स के अनुसार होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से चलेंगे, है ना। जैसे माइक्रो के लिए मैंने आपको आहूजा की बुक बताई, इसका हिंदी पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। इंडियन इकोनॉमी के लिए दत्तन सुंदरम की बुक भी आती है और मिश्रा पूरी, तो मैं एडवाइस करूंगी मिश्रा एवं पूरी की बुक को पूरी तरह से पढ़िए, मिश्रा एवं पूरी की बुक को रामायण की तरह शुरू से अंत तक पढ़ जाइए, ठीक है। पहली बार आप पढ़िए तो उसमें ब्लू कलर से अंडरलाइन करते चलिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, सेकेंड टाइम जब आप क्वेश्चन बैंक के साथ पढ़ते हैं तो रेड कलर से अंडरलाइन कीजिए, और लास्ट जब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो ग्रीन कलर से, कोई नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, देखिए बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के लिए एमएल सेठ की बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया से लिखी हुई बुक है। और मैक्रो डेवलपमेंट और पर्यावरण, पर्यावरण स्टूडेंट इसका कहीं भी कोई भी बहुत ही बढ़िया बुक मैं नहीं बोलूंगी, इसको हम बहुत सारे बुक से कंपाइल कर करके पढ़ाते हैं। तो ये सब आपको मैंने अपने साइट पर, अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर डाल दिया है, तो आप लोगों में से जो भी तैयारी कर रहे हैं मस्ट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स एंड कंटिन्यू स्टडी। थैंक यू, बाय।